ये पूरे दाने दाने हो रहे हैं इसके अंदर, ये दाने हो गए हैं ये छोटे। ओ ये देखो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ विद वाइफ। आज का टॉपिक है बच्चों के अंदर एक नई बीमारी फैल रही है दिल्ली के अंदर। उस बीमारी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं बच्चों को और बहुत ही काफी पेनफुल है, और ये बच्चों से है ना, बच्चों में ट्रांसमिशन हो रही है इस बीमारी का। कोई भी बच्चा किसी बच्चे के संपर्क में आ रहा है तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को ये बीमारी फैल रही है। इस बीमारी को नाम दिया गया है हैंड माउथ फुट डिजीज, और इस बीमारी में ना बहुत ही भयंकर लक्षण है, और आप अपने बच्चों को सावधान रखें, क्योंकि मेरे एक बच्चे से दोनों बच्चों के अंदर ये फैल चुका है। पिछले 3 दिन से समर्थ है, ये बीमार था और अभी थोड़ा सा इसको आराम है, और उससे है ना इसको ये बीमारी आ गई है। ताशी को, समर्थ से ताशी को आ गई है। सिर्फ इसने इसका झूठा पानी पिया था और झूठा खाना आपस में बच्चे शेयर कर लेते हैं, तो उससे इसको बीमारी वो लग गई है। तो ऐसे ही ये बीमारी आपस में ना ट्रांसमिशन होती जा रही है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलती जा रही है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, मैं आपको उस बीमारी के लक्षण दिखाता हूँ। बीमारी में होता क्या है कि पहले दिन आपका है ना बच्चे को एक गला है ना, गला पक जाएगा इसके, यहाँ पर ये जगह आ करो जीभ के अंदर, इधर छाले आ जाएंगे और गले पूरा गला पक जाएगा, ये चीज पेन करेगी, और बच्चे से पानी तक नहीं पिया जाएगा और बच्चे को बहुत ज्यादा पेन होगा, बच्चा खाना पीना छोड़ देगा। इसका एक लक्षण और है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस बीमारी का लक्षण ये है कि ये देखो, ये तो कोनिया है ना, कोनियों पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बच्चों के, और ये देखो दोनों कोनी पे, हाँ, और ये हथेलियों पे, दिखाओ दिखाओ पे क्या, ये छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ये इसकी पहचान है। इधर दिखाओ दूसरी हथेली, दिखाओ ये देखो, ये देखो ये हथेली में ना ये दाने हो जाते हैं छोटे छोटे, हाँ मैं दिखा। अब पैर दिखो, और ये देखो घुटनों के ऊपर भी दाने हो जाते हैं, और यहाँ पर देखो, और घुटनों के पीछे भी दाने होते हैं। ये देखो ये घुटनों के पीछे ना, हाथ हटाओ बेटा, हाथ हटाओ, हाँ ये घुटनों के पीछे ना ये ऐसे ऐसे दाने हो जाते हैं, और ये घुटनों के पीछे भी है ना, यहाँ दाने शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे, ये देखो ये वाले, ये पैर इधर करो, ये दाने जैसे ये हो गया ऐसे हो जाते हैं, और आ करो जीभ बाहर निकालो, उधर घुमाओ, इधर नहीं जीभ को, हाँ देखो ये ऐसे करके जीभ में छाले हो जाते हैं। अब इधर जीभ घुमाओ, जीभ इधर घुमाओ, जीभ ऊपर करो, हाँ ये छोटे छोटे ना इधर, ये देखो ये छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर और पूरा मुंह पक जाता है। इससे बच्चों में ना बहुत ही भयंकर बीमारी चल रही है इस टाइम दिल्ली में ये, और बच्चों के अंदर ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, बच्चे खाना पीना छोड़ रहे हैं, इसका 2 किलो वेट लूज हो गया समर्थ का। मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि इससे कुछ लोग सबक सीखें और अपने बच्चे को इस बीमारी से होने से बचा सकें। अब इससे समर्थ से ना ये बीमारी ताशी को आ गई है, और ताशी को मैं आपको दिखाता हूँ, सेम सिम्टम्स जो मैंने आपको समर्थ के दिखाए हैं सेम ताशी के अंदर आ गए हैं वो चीजें, और वो क्या रहा है कि एक दूसरे का झूठा खाना खाते हैं एक दूसरे बच्चे, तो भाई बहन तो आपस में खाते पीते हैं, तो उससे ये जो बैक्टीरिया है, जो जर्म्स है, इन्फेक्शन है, वो इसको लग गए हैं। और मैं आपको इसको दिखाता हूँ ताशी को, ताशी आप दिखाओ बेटा, ये देखो जी ताशी की हथेलियाँ, ये पूरे दाने दाने हो रहे हैं इसके अंदर है ना, ये देखो ये छोटे छोटे दाने, ये दाने ये हथेली के अंदर हो गए हैं पीछे, ये देखो साइड में इसके निकलने शुरू हो गए हैं। आप कोनिया दिखाओ, ये देखो आपके ये थे ना कोनियों के इधर, ये देखो ये दाने हो गए हैं ये छोटे छोटे, उसमें पेन हो रहा है काफी ज्यादा। दूसरा दिखाओ बेटा, ये देखो कोनियों पे इसका पेन हो रहा है। अब इसका मुंह देखो ताशी का, उससे ना बोला नहीं जा रहा बेटा, दिखाओ आप, उससे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, पानी तक भी इसे पिया नहीं जा रहा, बेटा दिखाओ जीभ बाहर निकालो, हाँ अंदर इसका पूरा पक गया, दूसरे तो करो, हाँ यहाँ पर इसका पूरा पक गया। बेटा क्या हो रहा है आपके साथ, क्या फील हो रहा है आपको बताओ, बोला नहीं जा रहा आपसे, और पानी पिया जा रहा है, पानी भी नहीं पिया जा रहा बिल्कुल भी, और आपको और इसमें हिम्मत करके थोड़ा बहुत खाना पड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी खाया पिया नहीं जा रहा है,
और इसको सुबह से फीवर चढ़ा हुआ है लड़की को। यहाँ पे और यहाँ पे इधर अंदर। अच्छा नीचे भी है, नीचे भी दिखाओ एक बार घुटनों पे भी। हाँ आराम से आराम से। हाँ ये देखो जी, ये इसके ना बैक में भी ये है। ओ ये देखो, ये बिल्कुल सेम है जैसे समर्थ के था ऐसे ही इताशी के भी है। अब पीछे दिखाओ दूसरे वाले पैर में, दिखाओ बेटा आराम से दिखाओ। होएगा होएगा, आराम से करो आराम से करो। हाँ ये देखो, ये दूसरा इसका पैर है और दूसरे पैर पे भी ये देखो बहुत ज्यादा दाने हो गए हैं पीछे, घुटने के पीछे इसके दाने हो गए हैं। और ये और देखो इसमें ना खांसी हो रही है बच्चे को, और खांसी के साथ साथ ना जुखाम हो रहा है बच्चे को, जो जुखाम हो रहा है वो काफी ज्यादा हो रहा है बच्चे को, जुखाम पे कंट्रोल नहीं हो रहा है ना। हो रहा है बेटा समर्थ आपको जुखाम हो रहा है बताओ। हाँ अभी थोड़ी थोड़ी नोजी आ रही है। दोस्तों अगर आपके बच्चे को भी ये सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए। अच्छा अगर आपके बच्चों को भी ये सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए और उसको दवाई दिलाइए, क्योंकि ये ना बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि आपका बच्चा खाना नहीं खा पाएगा, पूरी रात सो नहीं पाएगा, फीवर उसको चढ़ेगा, उसको खांसी आएगी, उसको जुकाम हो जाएगा, उसके उसको बहुत पेन होएगा। और बच्चा अगर खाएगा पिएगा नहीं ना तो माँ बाप को सबसे ज्यादा डर होता है कि यार बच्चा खा पी नहीं रहा है, एक इम्यूनिटी उसकी कमजोर हो जाती है। देखिए आपको कैसा फील हो रहा है, बुखार होता है बच्चे को, इसे बोला नहीं जा रहा है मुझे क्योंकि इसके बहुत ज्यादा हो गया। हाँ बुखार में खांसी लगती है, अभी पूरा मुंह इसका पका हुआ है और मुंह के अंदर छाले छाले आ जाते हैं, पूरे मुंह के साथ साथ ना ये गले के अंदर छाले हो जाते हैं बच्चे के, और गले से पूरा पक जाता है। पानी पियोगे ना तो पानी भी नहीं अंदर जाएगा, हाँ पानी अटक जाएगा गले के अंदर, और बिल्कुल भी आपसे पानी नहीं पिया जाएगा, दूध नहीं पिया जाएगा, कुछ खाया नहीं जाएगा। दोस्तों इस बीमारी से लड़ने का एक नुस्खा भी मेरे को थोड़ा सा लगा है कि बहुत कारगर है, बहुत अच्छा है। इसको थोड़ा सा आराम मिला है, इसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, इसके छाले अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, जुकाम इसको हो रखा है, लेकिन आपका बच्चा खाना खाने लगेगा। मैंने तो ट्राई करा और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर बंदे की किचन में वो चीज मिलेगी। आपको करना क्या है, थोड़ी सी हल्दी टर्मरिक, थोड़ी सी हल्दी आपने लेनी है गुनगुने पानी में, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, और उस हल्दी के पानी से आपको दिन में 4 बार बच्चे के गरारे कराने हैं। और जैसे ही आप गरारे कराओगे तो आपके बच्चे को बच्चा 2 घंटे बाद खाना पीना शुरू हो जाएगा और उसके छाले ठीक होने लग जाएंगे, और बाकी जो दवाइयां आप डॉक्टर से लोगे बाकी बीमारियों के लिए वो असरदार होगी। लेकिन आपका बच्चा खाने पीने लगे उसके लिए आपको हल्दी के पानी के गरारे करने चाहिए। मैं आपको इन दोनों का भी बना के दे रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे। आप थोड़ा सा पानी लेके उसको गर्म कर लीजिए, मैं पानी गर्म कर रहा हूँ अभी। पानी थोड़ा निवाया करने के बाद थोड़ी थोड़ी सी ना आपने हल्दी लेनी है, कितनी हल्दी लेनी है और ये डाल देनी है, दूसरे ग्लास में भी हल्दी लेनी है और ये डाल देनी है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। लो ताशी आप गरारे करो बेटा इसके, हाँ हल्का निवाया बेटा गरम नहीं है। और ये गरारे करने के बाद ना इसको बहुत जल्दी आराम पड़ेगा और ये कुछ खाने पीने लगेगी। गरारे करो, हाँ करो करो, हाँ कोशिश करो बेटा कोशिश करो, कर ऐसे आराम से कोशिश करो। लो बेटा
करो करो, गले के अंदर चला गया। गले के अंदर चला गया, कोई बात नहीं, पी गया पानी। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कैसे आप करो करो जल्दी करो, क्योंकि मेरे गले में भी छाले हो रहे, इसलिए गले में जा रहे हो। बिल्कुल बेकार, गले में भी छाले हो रहे हैं, आराम पड़ेगा। दोनों बच्चों ने गरारे कर लिए हैं, ताशी लेट गई है, इसकी तबीयत आज खराब हुई है, कल से खराब होने शुरू हुई थी और ये काफी हद तक ठीक हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम हो गई है तो अपने बच्चे को आप कहीं बाहर ना जाने दे और किसी और बच्चे को के संपर्क में ना आने दे, ताकि कोई और बच्चा उस बीमार से परेशान ना हो। उम्मीद है कि ये दो दो तीन दिन में दोनों ठीक हो जाएंगे पूरी तरीके से। ये बीमारी ऐसी इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है बहुत ज्यादा दर्द होता है इसको, बहुत ज्यादा दर्द है, बोला नहीं जा रहा इससे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा मुंह खुला है। देखो गरारे करने के बाद इसकी आवाज थोड़ी साफ हुई है, तो धीरे धीरे आराम पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।